आगे बढ़ेंगे। गोंडा के जिलाही रेलवे स्टेशन से पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिनमें से एसी के 2 डिब्बे पलट गए थे। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने डिब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम रात में ही पूरा कर लिया गया था। रेल विभाग अब तेजी से इस रेलवे ट्रैक को सही करके रेल यातायात शुरू करने पर जोर दे रहा है। उम्मीद है कि ये ट्रैक शाम तक रेल यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उधर रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मरने वालों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही रेस्टोरेशन का काम पूरा हो जाएगा। रेस्टोरेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और लगभग 800 से ज़्यादा कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं। 4 पोकलेन, 4 JCB, हाइड्रा और ढेर सारी मशीनें वहाँ कार्य कर रही हैं। जो TRD का कार्य होता है उसका कार्य किया जा रहा है। अब लाइन को बहुत जल्द फिट डिक्लेयर करके उस पर नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। डाउन लाइन के लिए जो स्लीपर्स डैमेज थे, रेल की आवश्यकता थी, वो सारी चीज़ें पहुँचाई गई हैं साइट पर और उसका रेस्टोरेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। मेरे